बांदा के नदी में छलांग लगाने वाले युवक की हुई पहचान। 24 घंटे बाद भी नहीं मिली लाश। परिजनों ने गोताखोरों व एनडीआरएफ टीम लगाने की मांग प्रशासन से की। बांदा के नदी में छलांग लगाने वाले युवक की हुई पहचान। 24 घंटे बाद भी नहीं मिली लाश। जनपद बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र में सोमवार को दोपहर में एक युवक ने केन नदी में छलांग लगाई। तभी वहां मौजूद गोताखोरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह नदी की तेज धारा में बह गया और भी डूब गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को खोजने की कोशिश की, लेकिन शव नहीं मिला और यह भी नहीं पता चल पाया कि नदी में कूदने वाला कौन व्यक्ति है। लाश को खोजने का काम आज दूसरे दिन भी चलता रहा, लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी लाश नहीं मिली। इस बीच कैलाशपुरी निवासी संतोष सोनी ने नदी किनारे मिली चप्पल से पहचान की और बताया कि यह उनके भतीजे जीतू की चप्पलें हैं। संतोष ने यह भी बताया कि 2 दिन पहले भतीजे का पड़ोस के लोगों से विवाद हुआ था। मामला पुलिस तक पहुंचा था। पुलिस ने दोनों पक्षों से समझौता करा दिया था। इसके बाद भी पड़ोसियों ने देख लेने की धमकी दी थी। सोमवार को दोपहर बाद जीतू गायब हो गया और इसके बाद उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। हम लोग कल शाम से उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। आज जब जानकारी मिली कि नदी में कोई युवक कूद गया है, इसके आधार पर यहां पहुंचा तो उसकी चप्पल मिली, जिससे निश्चित है कि उनके भतीजे के साथ कोई अनहोनी हुई है। भतीजे की हत्या की आशंका भी व्यक्त की है। यह भी बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। परिजनों की मांग है कि गोताखोरों व एनडीआरएफ की टीम द्वारा ढूंढने को लगाया जाए। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये बताइए, लड़का जो था वो कौन था आपका? वो हमारा भतीजा। कितने बजे कल गायब हुआ और क्या लगता है ये है जी कूला? हमें तो लग रहा है ये चप्पल मिली है। चप्पल मिली तो फिर क्या लगता है, क्या बताएं, क्या मतलब क्या क्यों कूदा, कोई कारण? कारण यही है कि बगल वाले से लड़ाई भाई है। हटो, ये बगल वाले से मतलब भैंस भाई है और उन्होंने जो है धमकी दी है। धमकी दी? हाँ, धमकी दी। क्या नाम है बगल वाले का? बगल वाले का जो है कुलदीप नाम है। कुलदीप क्या करते हैं? वो दो नंबर काम करता है। दो नंबर का जी। माफिया का गुंडे है। आखिर वजह क्या था, क्यों धमकियों के दे रहे? वजह ये है कि हमारी छत के ऊपर से छज्जा लटका दिया उन्होंने जो है, इसलिए तो थोड़ी सी उनसे बहस हो गई और इस कारण उन्होंने आदमी बुला लिए 4-6 और उसमें से एक लड़का जो है धमकी उन्होंने भी दी काफ़ी, उसके लड़के ने भी धमकी दी है। अच्छा, आप लोगों को घटना की कैसे जानकारी मिली? घटना की जानकारी मोबाइल हिसाब से कल से। क्या नाम है लड़के का? जीतू सोनी। क्या काम करता था? चांदी काम करता है। तो कल से आज भी तक कोई सुराग नहीं मिला? चप्पल में मिली है। क्या पुलिस को सूचना दी है आपने? हाँ, पुलिस को सूचना जो है वहाँ जो है गोरागढ़ चौकी में जो है वहाँ दी थी। वहाँ से क्या आश्वासन प्राप्त किया? वहाँ यही आश्वासन मिला है, वो लोग भी आए होंगे, हम लोग तो नहीं थे, देखने सुनने आए होंगे। उन्होंने ये कहा कि मतलब लाश जब लाश खुलेगी तब उतराएगी तब जानकारी मिलेगी। अब आपकी क्या मांग है? मांग ये है कि अब जो है नदी में गोताखोरों से ढुलवाई जाए। प्रशासन पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहे नहीं कर रहे? अब इतना ही सहयोग किया है कि उन्होंने ये कहा है ये मतलब कहने के जो है जब लाश फूलेगी तब ऊपर आएगी तभी ढूंढ पाएंगे, इसके पहले कहाँ ढूंढ पाएंगे, उन्होंने ये कहा। 24 घंटा हुआ है अभी तो। 24 घंटा हो गया। यानी आप लोगों की मांग है कि बाहर से टीम आए इसको ढूंढे, बाहर से एनडीआरएफ की टीम आए वो छानबीन करे। छानबीन करे तो कहीं तो लाश मिल ही जाएगी।